हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए दो शेयर्स ऑटो सेक्टर के, बहुत ही जबरदस्त शेयर है, बहुत ही चैंपियन शेयर है। एक लार्ज कैप से है तो एक स्मॉल कैप से, लेकिन दोनों शेयर्स बिल्कुल कमाल करने वाले हैं, और इनफैक्ट मैं कहूँगा कमाल कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त जंप दोनों में आया पिछले कुछ टाइम से, लेकिन उस जंप को साइड छोड़िए, अब देखिए जो मौका पोजिशन लेने का दिख रहा है, पैसा लेने का दिख रहा है, पैसा कमाने का दिख रहा है, वो मैं आपको यहां पे शेयर करना चाहता हूं। कैसे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेस्ट पोजीशन में ये दोनों शेयर है। इन दोनों को देखेंगे, साथ में फंडामेंटल्स देखेंगे, और नो डाउट आपको जरूर पसंद आएंगे ये दोनों शेयर्स, क्योंकि क्वालिटी शेयर्स हैं, वैल्यू शेयर्स हैं। और ऑटो सेक्टर में गिरावट की वजह से काफी नीचे आ गए थे, लेकिन अब जो टेक्निकल में जो पोजीशन, करंट पोजीशन इनकी दिख रही है, वो काफी इंपॉर्टेंट, काफी क्रिटिकल पॉइंट पे दोनों शेयर्स खड़े हैं। और अगर ऐसे मौके आपने छोड़े तो फिर भाई मौके खैर आते रहेंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट मौका है मैं कहूंगा। चलिए देखते हैं इन दोनों स्टॉक्स को एक एक करके इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो तो जल्दी से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। हमारी लिस्ट का पहला स्टॉक है मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑटो एंसिलरी की दुनिया का बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, स्मॉल कैप का शेयर जरूर है, लेकिन एक बात जरा सोचिए, जरा समझिए, ऑटो सेक्टर में सपोज मान के चलिए कि अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, इनमें रिवाइवल आ रहा है, इनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो जब एक गाड़ी बन के पूरी बाहर निकलती है, उसके लिए सबसे पहले क्या चीजें बननी चाहिए? उस गाड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स बनने चाहिए। जब वो पार्ट्स बनेंगे, उनके प्रोडक्शन में आपको जंप दिखेगा, तभी तो वो पार्ट्स असेंबल होके एक गाड़ी के रूप में कन्वर्ट होंगे। इट मीन्स बिफोर बिफोर द अपसाइड मोमेंटम इन बिग कंपनीज लाइक मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, वी विल सी अ जंप, अ प्रोडक्शन जंप, रिवेन्यू जंप इन दीज कंपनीज लाइक मिंडा इंडस्ट्रीज, मदरसन सुमी, दोज आर ऑटो एंसिलरीज कंपनीज। अब आप देखिए मिंडा इंडस्ट्रीज 11,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है, 420 का प्राइस है, डेट भी कम है इसका, प्रॉफिट ग्रोथ 39% की, सेल्स ग्रोथ 32% की, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है। जरा देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू देखिए 620 करोड़ से बढ़ता हुआ 6,000 करोड़ के आसपास चला गया, प्रॉफिट देखिए 23 करोड़ से बढ़ता हुआ 246 करोड़ चला गया। दिस इज इंप्रेसिव स्टॉक मैं कहूंगा, अगर आप देखते हो ऑटो एंसिलरी सेगमेंट से। बट द मेन पॉइंट इज आफ्टर अ बिग करेक्शन ऑफ 2018 व्हेन द स्मॉल कैप एंड मिड कैप जो डाउन चले गए थे, अब क्या होगा भाई? अब आप देखो जरा, और बिल्कुल ध्यान से देखना इसको और समझ के देखना, मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा मिंडा इंडस्ट्रीज। अब यहां पर मैंने आपको चार व्यू वाला प्लेटफॉर्म दिखा दिया, आप टेक्निकल्स पर देखिए जरा फोकस कीजिए। एक हमारे पास क्या है, मंथली, एक हमारे पास वीकली, और एक हमारे पास डेली, और दूसरा हमारे पास क्या है यहां पे आवरली। अब ये चार्ट मैंने आपको चारों चार्ट देखिए, देखिए जो चार्ट टेक्निकल वाले होते हैं, दे नेवर बिलीव इन काइंड ऑफ फंडामेंटल थिंग, दे बिलीव समवट बट ज्यादा बड़े लेवल पे वो इतना बिलीव नहीं करते। वो चार्ट के बेसिस पे जैसे कोई न्यूज आती है, एज पर टेक्निकल की न्यूज आप बाद में आती है, पहले चार्ट पे उसके असर आपको देखने को मिलते हैं। और न्यूज, कई न्यूज बनाई जाती है, एक बार शेयर रैली करने लग जाता है तो उसमें अच्छी न्यूज आती है, एक बार शेयर गिरने लग जाता है तो उसमें बुरी न्यूज आने लग जाती है। ये टेक्निकल का मानना है, और कहीं तक आप भी मानते हो कि डेफिनेटली कि न्यूज कई बार ऐसे आती है कि हाँ भाई ये काइंड ऑफ बनाई हुई न्यूज है, कि हाँ भाई शेयर को गिराना है तो न्यूज आने लग जाएगी, या फिर शेयर गिर रहा है उसके न्यूज आएगी तो और गिर जाएगा, इस तरीके से पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने का काम करती है। फिलहाल आप देखिए इस स्टॉक को ध्यान से देखें। अब मंथली चार्ट से मैं स्टार्ट करूंगा, और मंथली चार्ट से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो बिल्कुल ध्यान दें, समझें इसको, क्योंकि इस चार्ट में बहुत कुछ रखा हुआ है। मंथली चार्ट आप देखिए किस तरीके से बड़ी रैली स्टॉक ने दिया, मैं ऑलरेडी इस स्टॉक के बारे में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक क्रिटिकल पॉइंट जो हमने यहां पर ड्रॉ किया था उसको पार कर चुका है ये, और आप वीडियोज में देख सकते हो वो क्रिटिकल पॉइंट, लास्ट वीडियो जो मैंने मिंडा इंडस्ट्रीज का बनाया था आप उसको देख सकते हो। देखिए मंथली चार्ट में बड़ी रैली आई थी, और 2018 की करेक्शन देखिए, अब 2018 की करेक्शन आप कहोगे हाँ भाई ये तो हमारा डबल टॉप फॉर्मेशन बन गया, लेकिन डबल टॉप फॉर्मेशन छोड़िए, हमारा जो बेसिक डेफिनेशन होता है अप ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का, तो मैं आपको बिल्कुल बताने की कोशिश करता हूँ इसी इन वीडियोज़ के टेक्निकल्स में आपको ऐड कर देता हूँ, लेकिन अभी मैं एक पूरा का पूरा एक कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस का एक कोर्स काइंड ऑफ चीज बना रहा हूं, जो मैं फिर इसमें ऐड करने की, जिसमें आपको पूरा स्ट्रक्चरल वे होगा बेसिक्स से लेके एंड टू एंड तक, उसको बताने का भी ट्राई कर रहा हूं मैं। और फिलहाल आप देखिए यहां पे समझने की कोशिश कीजिए, एक
बिल्कुल इक्वल हाई, इसको कहते हैं डबल टॉप, आप इसको कह सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर देखिए जरा समझिए, उसके बाद बड़ी करेक्शन आती है। बड़ी करेक्शन के बाद आप मंथली में देख सकते हो कि इक्वल बॉटम 280 की रेंज में, तो हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब इसने जो है नया लो नहीं बनाया, वही लो बना, और आप देख सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था, जो मैं कहता हूँ कि फॉर अ स्टॉक इन अप ट्रेंड वी नीड अ हायर हाई काइंड ऑफ थिंग एंड अ हायर लो काइंड ऑफ थिंग, एंड आपने इस बार देख लिया, वी हैव अ न्यू हाई, दिस स्टॉक ऑलरेडी क्रॉस्ड दिस पॉइंट, यानी कि 390 के लेवल का ये पॉइंट है, इसको इसने क्रॉस कर चुका है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया है, एंड इट इज़ अबाउट टू क्रॉस क्रॉस द प्रीवियस हाई जो 450-460 का है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप देखिए दिस इज मंथली चार्ट, अब मैं आपको वीकली चार्ट पर लेके चलता हूँ, उसमें आप और क्लियरिटी से आपको समझ में आएगा। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक ये है अभी के टाइम पे। अब देखिए वीकली चार्ट पर आप देख सकते हो कि स्टॉक में जब गिरावट आई थी तो ऑलमोस्ट 450 के लेवल से ये गिर के कहाँ गया था, 260 के लेवल पे, 270 के लेवल पे चला गया था। अब ये अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बड़े में भी पता लग जाए, छोटे टाइम फ्रेम में भी पता लग जाए। अब यहाँ पे इसका जो मेन पॉइंट है ये 450 की रेंज है, जरा देख रहे होंगे आप, ये 450 की रेंज इंपॉर्टेंट है और उसी लेवल पे ये पहुंचता जा रहा है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था कि इसका जो मेन पॉइंट यहाँ पे है, इसको क्रॉस करना जरूरी है, यानी कि 390 वाला ये पॉइंट देखिए क्रॉस किया, और इस लेवल पे कंसोलिडेशन होना ब्रेकआउट के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छा है। अगर इसने किसी ने मेरे लास्ट वीडियो को देख के यहाँ पे 390 से लेकर 400 के बीच में एंट्री ली होती तो वो पहले एक बढ़िया जंप का एक पोजीशन ले चुका है, तो बढ़िया फायदा उसको मिल चुका है 20 रुपये पर शेयर का, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इंप्रेसिव। अब देखिए आप यहाँ पे किस पे, वीकली पे भी देख सकते हो कि आपको जो फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है ये हायर हाई काइंड ऑफ थिंग बनता हुआ जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब चलिए डेली पे, डेली पे मैं एक पॉइंट आपको कहता हूँ क्या कि भैया हम कहते हैं आपको कि गोल्डन क्रॉसओवर बन जाना चाहिए, गोल्डन क्रॉसओवर बन जाना चाहिए, तो ये गोल्डन क्रॉसओवर इस स्टॉक में ऑलरेडी बन चुका है। आप देख सकते हो ये 200 डे मूविंग एवरेज है, 50 डे मूविंग एवरेज ने इसको क्रॉस कर लिया था, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, एक डायमंड अपॉर्चुनिटी होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे इन पॉइंट्स पे मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो भी बना देखी ताकि भाई ये गोल्डन क्रॉस के हिसाब से एंट्री का मौका आ चुका है, लेकिन अब ये ब्रेकआउट लेवल जो 380 का था वो इसने पार किया, काफ़ी अच्छी बात है, और जब करेक्शन आया तो ब्रेकआउट का सपोर्ट लिया और सेकंड हाई फिर इसने पार कर लिया, जो ये रेंज पे ट्रेड कर रहा था उसको भी पार कर लिया, तो आप खुद सोचिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल ये हो चुका है। अब आवरली चार्ट क्यों काम आता है, देखिए आवरली चार्ट आपके ब्रेकआउट एंड कन्फर्मेशन जो आप देखोगे, जैसा कि ये पॉइंट था ये ऑलरेडी पार कर चुका है इसको और यहाँ पे सपोर्ट भी ले चुका है, आवरली पे आप और माइन्यूट डिटेल में देख सकते हो। ये मिंडा इंडस्ट्रीज है, यहीं पे नहीं वाइंड अप करेंगे, अभी हमारे पास दूसरा स्टॉक बचा हुआ उसको देखते हैं। दूसरा स्टॉक है मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड, बहुत ही बेहतरीन शेयर है, हर कोई इसकी क्वालिटी जानता है, और यहाँ पे 45,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका जरूरी है, लार्ज कैप सेक्टर का स्टॉक है, बेहतरीन परफॉर्मेंस, सेल्स ग्रोथ सारी चीज़ें बढ़िया है, लेकिन इस स्टॉक में एंट्री की बात आती है तो मिंडा इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुका है, लेकिन ये मेन पॉइंट इसका 450 का इसको क्रॉस करता है तो फिर आपको और बड़ी रैली इसमें देखने को मिलेगी। अब आप देखोगे इसमें कि भाई कप फॉर्मेशन देखने को मिला है और हल्का सा करेक्ट हो गया, इस तरीके से हैंडल भी बन सकता है, तो कई चीज़ें आपके पास पॉसिबल सिनेरियो जाएंगे और मैं आपके आपको शेयर करता रहूँगा, लेकिन मदरसन सुमी में अभी रैली बाकी है, जो मिंडा इंडस्ट्रीज में आ चुकी है मदरसन सुमी में वो रैली बाकी है, वो रैली बहुत ज़बरदस्त रैली होने वाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्लियर कट देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे मंथली बेसिस पे देखूँ तो एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था, आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो फॉर्मेशन था लोअर लोज का, लोअर हाइज का फॉर्मेशन ऑन मंथली बेसिस, एंड दिस इज अ कंप्लीट साइन ऑफ डाउन ट्रेंड, नाउ द स्टॉक रिवाइव्स फ्रॉम द डाउन ट्रेंड एंड विद अ बिग हाई, दिस करेक्टिव फेज, दिस इज नॉट अ करेक्टिव फेज, मैं कहूँगा कि इम्पल्स स्टार्ट हो चुका है इसमें, और आप देख सकते हो वीकली बेसिस पे भी देख सकते हो कि किस तरीके से जो इसने फॉर्मेशन बनाए थे और यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे अच्छा जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये एक बड़ा जंप देखने को मिल रहा है और एक डर ऐसा लग रहा था बीच में, देखिए गोल्डन क्रॉसओवर इसमें ऑलरेडी आ चुका है, आप देख पा रहे हो गोल्डन क्रॉसओवर, और गोल्डन क्रॉसओवर में अगर किसी स्टॉक में जब बात होती है कि आपको खरीदना है उस स्टॉक को, आप उसमें लॉन्ग हो रहे हो, इट मींस इट शुड क्रॉस एटलीस्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाए तो वो आपका एक बहुत बड़ा रिस्क जो है खत्म होता है, और मैं बार बार ये चीज़ आपको समझाता हूँ, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए चीज़ जाननी बहुत जरूरी है, एंड मदरसन सुमी ऑलरेडी क्रॉस दैट बैरियर, दिस इज द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज एंड दिस इज द डेली चार्ट, ऑलरेडी क्रॉस दैट बैरियर, और मैंने आपको बताया कि गोल्डन क्रॉस ओवर बनने के बाद आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ही जबरदस्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, और स्टॉक ने उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अभी रिसेंटली आया है
और दूसरी चीज मैं आपको जॉइंट की बात बताता हूँ। देखिए दो स्विंग जैसी होती है, एक लेफ्ट एक राइट, और इसके बीच में ये क्या होता है, जॉइंट आप उसको कह सकते हो। और ये जॉइंट बुलिश जॉइंट भी हो सकता है और ये जॉइंट इस तरीके से बियरिश जॉइंट भी हो सकता है, और मदरसन छुमी ने वो जॉइंट बना दिया। और इन जॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर जॉइंट में ये जॉइंट वाली कैंडल है, ये वाली, ये जॉइंट कैंडल आप इसको कह सकते हो कि कितनी बढ़िया इस तरीके से लंबी शेडो देखने को मिली है, मतलब बायर्स एक्टिव है और जॉइंट के लेवल, जॉइंट को दो कैंडल का अगर सपोर्ट मिल जाए इधर उधर से आप देखिए, और जॉइंट का हाई अगर पार जाए तो एंट्री का मौका। आप देखिए किस तरीके से इस जॉइंट के बाद बढ़िया एंट्री का मौका है, लेकिन द रियल एंट्री विल स्टार्ट फ्रॉम 150 लेवल। ये जो हाई क्रॉस होगा ना, इसके बाद द रियल मनी विल बी पम्प्ड इन द स्टॉक। आप कहोगे कैसे, क्योंकि भाई ये एक बैरियर है ये, इसके बाद जो हमारा फॉर्मेशन है, अब मैं इसको क्लीन करता हूँ, फिर से ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन क्या है, देखिए डबल बॉटम बनाया था इसने एंड वी हैव अ हायर हाई काइंड ऑफ थिंग, देखिए बिल्कुल, और उसके बाद ये लो बना है जो बिल्कुल, देखिए करेक्शन आना था, करेक्शन आया, लेकिन हमारा द एक्चुअल जंप होगा जैसे कि ये वाला पॉइंट है उस तरीके से, ये पॉइंट, ये 150 का बैरियर। तो मैं कहूंगा एक रिटेल इन्वेस्टर जो अगर इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक में, वो 150 के बाद उसके लिए द रियल मौका उसके लिए स्टार्ट होगा, बहुत ही बेहतरीन जंप इसमें आ सकता है। और दूसरी चीज, अभी के लिए जैसे जो थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। मदरसन सुमी का स्टॉप लॉस जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये पॉइंट, आपने देखा होगा आवरली बेसिस पे बॉटम पॉइंट 134 का लेवल, 134 के लेवल पे स्टॉप लॉस जरूर लगाए। क्यों, देखिए इस पॉइंट को इसने क्रॉस कर लिया आवरली बेसिस पे, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है लेकिन 134 के लेवल पे स्टॉप लॉस जरूर लगाना। अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है और पोजीशन लेना चाहता है स्मॉल टाइम फ्रेम पे, तो 134 का स्टॉप लॉस, क्यों, क्योंकि इस जॉइंट का बॉटम पॉइंट है ये जॉइंट जो था इसका बॉटम पॉइंट है, ये ऑलरेडी इस पॉइंट को क्रॉस कर चुका है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मौका जरूर है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन यहाँ पे अगर आप पोजीशन लेना चाहते हो तो 150 के क्रॉस के बाद आपकी पोजीशन साइज जो है इंक्रीज करने का आपको मौका होगा, और स्टॉप लॉस भी आपको साथ शेयर किया है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है इस चैनल पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हमने दो स्टॉक के बारे में बात किया, मिंडा इंडस्ट्रीज प्रॉपर थीसिस के साथ बात किया गया है, पूरा डेली मंथली वीकली और साथ के साथ आवरली बेसिस पे स्टॉप लॉसेस के साथ, और ऐसी थीसिस फ्री में नहीं मिलती भाई, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।